बेटा दवाइयाँ तो ला दे। अरे पापा, दवाइयाँ लेने क्यों जाना है? आयु ऐप से नजदीकी मेडिकल द्वारा घर पर ही मंगवाता हूँ ना। आज ही आयु ऐप डाउनलोड करें, सबसे तेज, सबसे भरोसेमंद। नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं खुशबू मिश्रा। इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। सीएम अशोक गहलोत कांग्रेस के लिए ऐसा नाम है जिनकी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल शब्द नहीं है। पार्टी को कब कहां कैसे मजबूत करना है इसकी प्री प्लानिंग उनके दिमाग में चलती है और इसलिए हर समस्या का समाधान उनके पास रहता है। नगर निगम चुनाव में ये बात एक बार फिर साबित हुई है कि गहलोत हैं तो मुमकिन है। कोटा, जयपुर और जोधपुर नगर निगम के चुनाव में सीएम गहलोत की रणनीति का ऐसा जादू चला कि कांग्रेस ने मुकाबला 4-2 से जीत लिया। जहां हमेशा बीजेपी का कब्जा रहा, वहां आज कांग्रेस के मेयर अगर बने हैं तो इसके पीछे सीएम अशोक गहलोत की रणनीतियां ही वजह बनी हैं। वे शांत होकर अपना काम करते हैं और उनकी कामयाबी बोलती है। ये रिपोर्ट देखिए। जो कोई न कर सका गहलोत ने कर दिखाया। छह में से चार निगमों पर परचम फहराया। अशोक गहलोत ने कल्पना को किया साकार। सीएम की नीतियों से बनी शहरों में सरकार। जादूगर गहलोत बने कांग्रेस के सबसे बड़े कर्णधार। एक दांव विरोधी बेदम 4-2 से जीते नगर निगम। सीएम के राजनीतिक चातुर्य की विरोधियों में भी चर्चा। हर किसी की जुबां पर एक ही नारा। गहलोत हैं तो मुमकिन है। शहर की सरकार पर कब्जा जमा कर रहने वाली बीजेपी को एहसास भी नहीं था कि सीएम अशोक गहलोत खेल बदल देंगे। सरकार बनने के 2 साल के भीतर ही अशोक गहलोत ने दिखा दिया कि कांग्रेस को कमतर समझना विरोधियों की नासमझी है। राजनीति में सही समय पर सही दांव चला जाए तो कुछ भी संभव है। राजस्थान आज इससे वाकिफ हो रहा है। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि एक ही दांव से अशोक गहलोत शहर की सरकारों से चिर प्रतिद्वंदी भाजपा को बेदखल कर कांग्रेस का परचम लहरा देंगे। नगर निगम चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को करारी शिकस्त देते हुए 6 में से 4 निगमों में अपने बोर्ड बनाकर दिखा दिया कि गहलोत हैं तो मुमकिन है। ज्यादातर शहरों में निगमों पर काबिज रहने वाली बीजेपी ये खेल समझ पाती तब तक सत्ता हाथ से जा चुकी थी और बीजेपी को महज 2 निगमों में बोर्ड बनाने में कामयाबी मिली। प्रदेश के 4 महत्वपूर्ण निगम जीतने के बाद कांग्रेस जश्न मना रही है। इन चुनावों में निर्दलीय जीते अधिकांश पार्षद कांग्रेस के साथ जुड़ गए और बीजेपी हाथ मलते रह गई। इस सब के पीछे था सीएम अशोक गहलोत का मास्टर स्ट्रोक। शहर सरकार में कांग्रेस का झंडा बुलंद। 6 में से 4 नगर निगम जीतकर दिखाया दम। जयपुर, कोटा, जोधपुर हर शहर में कांग्रेस का मेयर। कोटा के दोनों निगमों पर कांग्रेस का कब्जा। कोटा उत्तर में मंजू मेहरा, दक्षिण में राजीव अग्रवाल बने मेयर। जयपुर हेरिटेज में मुनेश गुर्जर कांग्रेस की मेयर। जोधपुर उत्तर में कुंती देवड़ा बनी मेयर। ये सीएम अशोक गहलोत की कुशल राजनीति का ही नतीजा था कि कांग्रेस को कोटा उत्तर और जोधपुर में स्पष्ट बहुमत मिला।
ये दोनों क्षेत्र सीएम अशोक गहलोत और मंत्री शांति धारीवाल से जुड़े हुए हैं। इनमें जोधपुर उत्तर में कुंती देवड़ा और कोटा उत्तर में मंजू मेहरा मेयर का चुनाव जीते। बीजेपी ने जयपुर ग्रेटर और जोधपुर दक्षिण नगर निगम में अपने बोर्ड बनाए हैं। इन दोनों निगमों में बीजेपी के पास स्पष्ट बहुमत था। हैरानी की बात है, इनमें भी जोधपुर दक्षिण में एक पार्षद ने क्रॉस वोटिंग की। जयपुर ग्रेटर में बीजेपी की सौम्या गुर्जर मेयर चुनी गई, तो जोधपुर दक्षिण में बीजेपी की वनिता सेठ मेयर बनी। लेकिन कांग्रेस के जश्न के पीछे कोई है तो वो है सीएम अशोक गहलोत। दो निगमों में हुई दिलचस्प लड़ाई, जयपुर हेरिटेज और कोटा दक्षिण में थी टाइट फाइट। दोनों में अपना बोर्ड बनाने में कांग्रेस कामयाब। 100 वार्डों के जयपुर हेरिटेज निगम में कांग्रेस ने 47 वार्ड जीते। निर्दलियों को साथ लाकर शहर में अपनी सरकार बना ली। कांग्रेस की मुनेश गुर्जर ने बीजेपी की कुसुम यादव को हरा दिया। कोटा दक्षिण में हुई जोरदार लड़ाई, बाजी कांग्रेस के हाथ आई। 80 वार्ड के इस निगम में कांग्रेस बीजेपी ने 36-36 वार्ड जीते। इस सीट पर 8 निर्दलीय पार्षद निर्णायक स्थिति में थे। कांग्रेस ने निर्दलियों को अपने खेमे में लामबंद किया। कांग्रेस प्रत्याशी राजीव अग्रवाल मेयर चुने गए। ये सब मुमकिन हुआ सीएम अशोक गहलोत की कुशल रणनीति, राजनीतिक अनुभव और भविष्य की परिस्थितियों का वर्तमान में आकलन कर लेने की काबिलियत से। शहरों के विकास में मेयर की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए कांग्रेस ने काफी समय पहले रणनीति बनानी शुरू की। सीएम अशोक गहलोत ने इसके लिए सबसे बड़ा दांव चला, निगम विभाजन का, जो सीधे निशाने पर लगा और कांग्रेस ने निगम की लड़ाई में 4-2 से मैदान मार दिया। आज जब दोगुनी बढ़त के साथ कांग्रेस शहर की सरकार पर काबिज हो गई है, तो चारों ओर सीएम अशोक गहलोत की चर्चा है। कांग्रेस के नेताओं से लेकर कार्यकर्ता तक मुख्यमंत्री के राजनीतिक चातुर्य के कायल हो गए हैं। इतना ही नहीं, विरोधी भी दबी जुबान में उनके इस दांव की तारीफ कर रहे हैं। जाहिर है कि सरकार प्रदेश की हो, नगर निगम की या गांव की, मुख्यमंत्री कमान जब अपने हाथ में ले लेते हैं तो फिर उसके लिए सटीक रणनीति बनाते हैं, जिससे असफलता की गुंजाइश नहीं रहती और कामयाबी उनके हाथ लगती है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। नगर निगमों में कांग्रेस की कामयाबी का श्रेय सीएम अशोक गहलोत की रणनीति और राजनीतिक समझ को जाता है। नगर निगम में उनके इस अभियान को सफलता तक पहुंचाने में जिन लोगों की मेहनत है, उनमें सबसे आगे नाम है यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल का। कोटा में पार्टी को दोनों सीट दिलाने में शांति धारीवाल का बड़ा योगदान देखने वाला है। ये रिपोर्ट देखिए। लगता है कि वो दौर बीत चुका है जब शहर की सरकार पर बीजेपी की बादशाहत हुआ करती थी, क्योंकि राजस्थान में निगम की राजनीति का खेल बदल चुका है। ये सब किया है राजनीति के सबसे बड़े खिलाड़ी अशोक गहलोत ने। उन्होंने खेल का टर्फ बदला और विरोधी चारों खाने चित हो गए। नगर निगम चुनाव के लिए मुख्यमंत्री ने पहले से तैयारी कर रखी थी। उन्होंने अपनी रणनीति को एक एक कर इम्प्लीमेंट किया और कांग्रेस के लिए रास्ता बनाया। इसके लिए उन्होंने शानदार प्लानिंग की। अब तक जयपुर, कोटा और जोधपुर में एक एक ही निगम था, जिसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दो दो हिस्सों में बांट दिया। इस तरह से कोटा और जोधपुर को उत्तर और दक्षिण में, जबकि जयपुर को हेरिटेज और ग्रेटर नगर निगम के रूप में नई पहचान मिली। निगम के बंटवारे के बाद सीएम ने दूसरा दांव चला परिसीमन का। राजनीतिक समीकरण और सोशल इंजीनियरिंग के हिसाब से क्षेत्रों का विभाजन किया गया। इस तरह के समीकरण बिठाए गए कि बीजेपी के बड़े नेताओं के गढ़ से भी कांग्रेस अपने पार्षद जिताने में कामयाब रही। जयपुर, जोधपुर और कोटा में 560 वार्डों में चुनाव कराया गया। इससे पहले इन शहरों में केवल 221 वार्ड थी। वार्डों की संख्या बढ़ाकर परिसीमन के आंकड़े फिट किए गए। कांग्रेस 261 और बीजेपी 242 पर जीती। 57 वार्ड में निर्दलियों ने जीत कर सबको चौंका दिया। 6 नगर निगमों में से 3 पर कांग्रेस मेयर बनाने की स्थिति में थी, तो 2 पर बीजेपी का कब्जा था और 1 पर फैसला निर्दलियों के हाथ में था। जयपुर हेरिटेज की 100 सीट में 47 कांग्रेस, 42 बीजेपी और 11 अन्य ने जीती।
जयपुर ग्रेटर के 150 सीट में 88 बीजेपी, 49 कांग्रेस, 13 अन्य ने जीती। ध्यान देने की बात यह है कि अगर जयपुर में दो निगम नहीं बनाए गए होते तो दोनों की सीटें मिलाकर बीजेपी जीत जाती, लेकिन भाजपा की इसी जीत को हार में बदलने का कामयाब दांव सीएम अशोक गहलोत ने निगम बंटवारे के रूप में चला। जयपुर नगर निगम का बंटवारा ना हुआ होता तो पूरे शहर पर बीजेपी का कब्जा होता, लेकिन अब आधे आधे शहर पर दोनों पार्टियां राज करेंगी। हेरिटेज के इलाके में कांग्रेस को सियासी तौर पर इसीलिए फायदा मिला कि वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय की बड़ी आबादी है जिसने एक मुश्त कांग्रेस को वोट दिए। कुछ इसी तरह के हालात जोधपुर नगर निगम में रहे। जोधपुर निगम की अब उत्तर और दक्षिण के रूप में पहचान है। जोधपुर उत्तर में 80 में से 53 सीट पर कांग्रेस, 19 पर बीजेपी जीती। जोधपुर दक्षिण में 80 में से 43 पर बीजेपी और 29 पर कांग्रेस जीती। यहां भी कांग्रेस आधे शहर पर सरकार बनाने में कामयाब रही। जोधपुर के दोनों निगमों में बीजेपी को जिताने की कमान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के हाथ में थी। मतदान से पहले शेखावत ने जोधपुर के दोनों निगमों में रोड शो भी किए। उन्हीं की पसंद से ज्यादातर टिकट बांटे गए। उधर जोधपुर में कांग्रेस के टिकट तय करने से लेकर प्रचार अभियान की कमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत के हाथ में थी। इस तरह जोधपुर में गजेंद्र सिंह शेखावत और वैभव गहलोत एक एक निगम पर कब्जा जमा कर अपनी अपनी प्रतिष्ठा बचाने में कामयाब रहे। सीएम गहलोत ने बीजेपी को सबसे बड़ा झटका दिया कोटा में। कोटा का शहरी इलाका बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है, लेकिन यहां की दोनों नगर निगम में कांग्रेस सेंध लगाने में कामयाब रही। कोटा उत्तर की 70 में से 47 सीट कांग्रेस ने जीती और 14 बीजेपी के हाथ लगी, जबकि कोटा दक्षिण की 80 में से 36 कांग्रेस ने जीती और 36 बीजेपी के हाथ लगी, जबकि यहां 8 निर्दलीय जीते। कांग्रेस ने निर्दलियों को साथ लाकर दोनों निगम अपने नाम कर लिए। कोटा में कांग्रेस की कामयाबी का श्रेय बहुत हद तक राज्य सरकार के दिग्गज मंत्री शांति धारीवाल को जाता है। कोटा ही वो शहर है जहां से दोनों सीटें जीतकर कांग्रेस ने मुकाबला 4-2 से जीत लिया। शांति धारीवाल के विधानसभा क्षेत्र कोटा उत्तर निगम में पार्टी को शानदार जीत मिली। कोटा उत्तर के कुल 70 वार्ड में से कांग्रेस ने 47 पर जीत दर्ज की, जबकि कोटा दक्षिण नगर निगम में कांग्रेस ने बीजेपी को बराबर की टक्कर दी। यहां कुल 80 वार्ड में कांग्रेस और बीजेपी को 36-36 सीटें मिली। ऐसे में दोनों पार्टियों के सामने निर्दलियों को साथ लाने की चुनौती थी। सीएम अशोक गहलोत के भरोसेमंद शांति धारीवाल ने यहां निर्णायक भूमिका निभाई। इस सीट पर दोनों ही पार्टियों ने पूरा जोर लगाया। बीजेपी ने भी निर्दलीय पार्षदों पर डोरे डाले, लेकिन धारीवाल की रणनीति के आगे कामयाब नहीं हुए। सीएम से मिले निर्देशों का पालन करते हुए धारीवाल निर्दलियों को साथ लाने में कामयाब हुए और कोटा के दोनों निगम कांग्रेस के खाते में चले गए। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक बाद आपका एक बार फिर से स्वागत, और आप लगातार देख रहे हैं हमारी खास पेशकश, गहलोत हैं तो मुमकिन है। डिप्टी मेयर के लिए भी कांग्रेस ने अपना प्रदर्शन दोहराया है। संदेश साफ है कि सीएम अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस खुद को लगातार मजबूत कर रही है। मुख्यमंत्री की नीतियां और रणनीति विरोधियों पर भारी है और कांग्रेस कह रही है गहलोत हैं तो मुमकिन है। कांग्रेस की ये जीत इतनी बड़ी क्यों है, इसे समझने के लिए इतिहास से वर्तमान तक खंगालना होगा। पहले निगम चुनाव में कांग्रेस को बहुमत 22% मिला, दूसरे चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिला 24%, तीसरे चुनाव में मिला 31%, चौथे चुनाव में 33%, पांचवें चुनाव में 19%, लेकिन इन चुनावों में 40% बहुमत मिला। बात जोधपुर की करें तो सीएम गहलोत निगम के चुनावी रण में एक भी बार जोधपुर नहीं गए, यहां तक कि वो निगम चुनाव में वोट डालने भी नहीं गए, लेकिन कौन जानता था कि वो इन चुनावों को कांग्रेस को कामयाब बनाने की रणनीति में मशगूल थे। राजनीति के शहमात के खेल में एक बार फिर अनुभवी अशोक गहलोत भारी पड़े। उन्होंने एक साल पहले ही निगम को दो भागों में बांटकर ऐसी मजबूत पटकथा लिख दी थी कि भाजपा इसका कोई तोड़ नहीं तलाश पाई। शहरी क्षेत्र में वैसे भी भाजपा शुरू से मजबूत मानी जाती रही है, इसे ध्यान में रखकर गहलोत ने साल भर पहले अपना मास्टर स्ट्रोक खेल दिया था। जोधपुर में उन्होंने बेहद सावधानी के साथ निगम को उत्तर और दक्षिण में बांट दिया।
उत्तर में उन्होंने माली जाति के अलावा मुस्लिम और अनुसूचित जाति का मजबूत गठजोड़ बना दिया। इसके बाद गहलोत निश्चिंत होकर इन चुनावों से दूर रहे। गहलोत के राजनीतिक जीवन में ये पहला मौका था जब वे जोधपुर के किसी चुनाव में शामिल होने नहीं आए। अधिकांश प्रत्याशी बड़े नेता पर निर्भर होने के बजाय आत्मनिर्भर बने। प्रत्याशियों की ये मेहनत रंग लाई और उत्तर निगम में कांग्रेस ने 80 में से 53 जगह जीत हासिल कर ली। इधर जयपुर में टीम गहलोत ने एकजुटता से काम किया। प्रताप सिंह खाचरियावास का विधानसभा क्षेत्र है सिविल लाइंस। उनके क्षेत्र में 24 में से 13 वार्डों में कांग्रेस ने जीत दर्ज की। दूसरे नंबर पर आदर्श नगर विधायक रफीक खान रहे। आदर्श नगर में स्थित 25 वार्ड में से कांग्रेस के 13 पार्षद जीते। तीसरे नंबर पर विधायक अमीन कागजी रहे। अमीन कागजी जयपुर शहर की किशनपुर सीट से विधायक रहे। अमीन कागजी के क्षेत्र में स्थित 21 वार्ड में से 9 पर पार्टी के पार्षद जीते। सरकार के मुख्य सचेतक महेश जोशी हवा महल से विधायक हैं। हवा महल में 26 में से 9 पार्षद कांग्रेस के जीते। हंसमुख और मिलनसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजनीति के जादूगर यूं ही नहीं कहे जाते। चाहे विपक्ष के वार हों या पार्टी की अंदरूनी मुश्किलें, सीएम गहलोत अपनी कुशल रणनीति से सभी को डील करते हैं और हर मुश्किल से उबर कर बाहर आ जाती हैं। कांग्रेस ने डिप्टी मेयर के चुनाव में भी अपना प्रदर्शन दोहराते हुए 4 निगमों पर डिप्टी मेयर बना लिए। जयपुर हेरिटेज में कांग्रेस के असलम फारूकी डिप्टी मेयर बने हैं। असलम फारूकी ने बीजेपी के महेंद्र ढलेत को मात दी है। असलम को 56 वोट मिले जबकि महेंद्र ढलेत को 44। जोधपुर उत्तर में अब्दुल करीम जॉनी कांग्रेस के डिप्टी मेयर बने हैं। कांग्रेस के अब्दुल करीम का निर्विरोध निर्वाचन हुआ। बीजेपी प्रत्याशी सुरेश जोशी का पर्चा खारिज हो गया था। उधर कोटा के दोनों निगमों पर कांग्रेस के डिप्टी मेयर बने हैं। इनमें कोटा उत्तर में कांग्रेस के फरीदुद्दीन सोनू डिप्टी मेयर बने हैं। कांग्रेस के फरीदुद्दीन सोनू कुरैशी ने ज्ञानेंद्र सिंह को मात दी। फरीदुद्दीन को 70 वोट मिले, ज्ञानेंद्र सिंह को 50 वोट। कोटा दक्षिण में कांग्रेस के पवन मीणा डिप्टी मेयर बने हैं। पवन मीणा और बीजेपी के योगेंद्र खींची के बीच मुकाबला टाई हो गया। कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशियों को 40-40 वोट मिले और लॉटरी से फैसला हुआ जिसमें कांग्रेस के पवन मीणा जीते। विधानसभा चुनाव से लेकर मेयर चुनाव तक की हर चुनौती में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 100% कामयाबी हासिल की है। पार्टी के सामने आई हर परिस्थिति में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता यही सोचकर निश्चिंत हो जाते हैं कि गहलोत हैं तो मुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।